स्वागत है एक न्यू वीडियो में। अगर आज की वीडियो में बात करने वाले कैसे अपने सैमसंग के फ़ोन में आप ब्लूटूथ ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वही बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो कैसे, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेनी। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कनेक्शन का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको ऑफ देखने के लिए मिलेगा, तो आपको सिर्फ इस पर एक बार टैप कर देना है और ये आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा तो आसपास के जो भी आपके ब्लूटूथ डिवाइस होंगे वो स्कैन करके यहाँ पे शो करेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पैट्रोन के ईयरबड्स शो कर रहे हैं, तो आपको बस उसके नेम पे एक बार टैप करना है और ये पेयरिंग होने लग जाएंगे। जब तक पेयरिंग होगा तो आपको कुछ इस तरह की परमिशन आ जाएगी, तो आपको पेयर पर क्लिक कर देना है और आपके ब्लूटूथ ईयरबड्स ईजिली कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो, और हमारी बैटरी परसेंटेज भी शो कर रहा है। तो अगर इस तरीके से आप भी अपने सैमसंग के फ़ोन में ब्लूटूथ ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।